हेलो दोस्तों, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द एम्पायर ऑफ फिटनेस एंड टेक पर। तो दोस्तों, आज हम आ गए हैं एमपीएल पे टीम बनाने के लिए। बेंगलोर वर्सेस कोलकाता के बीच में जो मैच होने वाली है, बस 20 घंटे बचे हैं और मैच को जो ये वीडियो को मैं नाइट में शूट कर रहा हूँ ताकि आपको सुबह जल्दी मिल सके। तो दोस्तों चलिए टीम बनाते हैं। इसमें अब तक का 1 करोड़ की गारंटेड लग चुकी है और इसकी ग्रैंड विनिंग प्राइस जो होगी वो लगभग 12 लाख रुपये की होगी। तो दोस्तों 12 लाख रुपए काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है, तो इसको जीतने के लिए आपको एक दमदार टीम बनानी पड़ेगी। और टीम बनाएंगे कैसे वो आपको मैं पूरी तरह से ट्यूटोरियल देने वाला हूँ यहाँ पे। तो सो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले जल्द मिल सके। तो दोस्तों आपको जैसे कि पता है, कुछ भी अपडेट आता है तो मैं सीधा नेक्स्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ 4 बजे। तो इस पर भी कुछ अपडेट आएगा तो आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टीम बनाना। बेंगलोर वर्सेस कोलकाता जो यहाँ पे दिखता है, रेड कलर के बटन पर उसको क्लिक करना है आपको सिंपली से। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी मनपसंद की प्राइस को चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ग्रैंड लीग, टिकट लीग। तो सारी लीग की आप अपने मनपसंद की प्राइस को चूज़ करने के बाद नीचे एक ऐड टीम का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा सिंपली से, जो मैं आपको यहाँ पे अभी रेड कलर की बटन पे दिखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप देख सकते हैं रेड कलर के बटन पे ऐड टीम का ऑप्शन, तो आप इसको यहाँ पे सिंपली से क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर्स, बॉलर्स। तो दोस्तों विकेट कीपर में सबसे पहले हमको किसको लेना है, तो विकेट कीपर में इनकी जो कैच की हमको पॉइंट्स मिलते हैं, तो सबसे पहले दिनेश कार्तिक को लेना है और भरत को यहाँ पे लेना है। तो ये दो प्लेयर्स को अभी हाल में हमको ले लेना है। अगर कुछ अपडेट आता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे, लेकिन फिक्स रहेगा शायद, मुझे लगता है विकेट कीपर में ज़्यादा कुछ चेंजेस हमको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं प्लेयर्स उतना इनके मुकाबले में कोई बेटर दिखते नहीं है। सो अब चलते हैं बैट्समैन पर। तो बैट्समैन पर दोस्तों यहाँ पर सबसे नंबर 1 पर जो हमको दिखते हैं पैडी कॉल का, तो इनके रैंक और स्कोर को देखते हुए सबसे पहले नंबर पे हम इन्हीं को ही चूज़ करेंगे। और सेकंड नंबर पर तो हमारे विराट कोहली हैं जो कि इंडियन टीम के कैप्टन हैं। तो इन दो प्लेयर्स तो हम चूज़ कर चुके हैं। तो थोड़ी बहुत यहाँ पे हम स्क्रॉल कर लेते हैं, तो त्रिपाठी को भी हम यहाँ पर चूज़ कर लिए हैं। तो ये 3 प्लेयर्स को अभी चूज़ करते हैं, अगर कुछ अपडेट आता है तो आपको हम दे देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बस यही प्लेयर। तो यहाँ भी मुझे लगता है कि बैट्समैन में बाद में कुछ चेंजेस आ सकता है, लेकिन अभी के लिए इन 3 प्लेयर्स को लेना ही हमको सही लगता है। तो थोड़ा बहुत स्क्रॉल करके देख लीजिए। तो अब चलते हैं ऑलराउंडर्स पर। तो ऑलराउंडर्स पर दोस्तों जैसे कि हम स्लाइड करेंगे तो ऑलराउंडर्स पर हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो वो यहाँ पर नंबर 1 पर हमको तो मैक्सवेल को ही चूज़ करना पड़ेगा, और नंबर 2 पर जो रूसेल हैं इनको चूज़ करना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं थोड़ा स्क्रॉल करके देखते हैं, उनसे बेटर प्लेयर्स तो मुझे यहाँ पे कोई लगा नहीं। तो आप बॉलर्स पर जाएंगे तो दोस्तों कर भी क्या सकते हैं, प्लेयर्स हमको सिर्फ 10 चूज़ करना है। तो आज की टीम की जो है सारे बेटर प्लेयर्स मुझे लगते हैं, तो कुछ अपडेट आता है तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी चलते हैं बॉलर्स पर। तो दोस्तों बॉलर्स पर जैसे कि आपको पता है हर्ष पटेल, मुझे तो लगता है हर्ष पटेल जो है वो नंबर 1 जो बॉलर में जाने जाते हैं, क्योंकि उनकी रैंकिंग और स्कोर को देखते हुए मुझे लगता है कि बॉलर्स में हर्ष पटेल अकेले ही काफ़ी हैं इस टीम के लिए। तो मुझे यहाँ पे 3 प्लेयर्स को चूज़ तो करना है, तो सबसे नंबर 1 पर मैं यहाँ पे हर्ष पटेल को ले लेता हूँ, और सेकंड नंबर पे यहाँ पे मैं चहल को ले लूँगा। तो आप थोड़ा बहुत यहाँ पर स्क्रॉल करके देख सकते हैं, तो कुछ बेटर प्लेयर्स मुझे मिल जाए मैं सोचा, लेकिन उतना बेटर प्लेयर्स यहाँ पर मुझे कोई नहीं मिला, तो मैं वरुण को यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ये 3 प्लेयर्स लेने के बाद मेरी टीम जो थी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों आपको अगर कुछ अपडेट आता है तो इस टीम को लेकर, मुझे तो लगता नहीं इतना कुछ अपडेट आएगा, मुझे बैट्समैन को लेकर थोड़ी बहुत डाउट है कुछ अपडेट्स आ सकती है। तो चलिए हम देखते हैं अपनी प्रीव्यू को। तो प्रीव्यू देख सकते हैं काफ़ी शानदार बनी है। पेमेंट से पहले एक बार प्रीव्यू मैं इसलिए चेक करा लेता हूँ आपको, तो पेमेंट करना नहीं करना ये तो आप पर डिपेंड है। तो अभी आप अपना प्रीव्यू एक बार देख लीजिए, काफ़ी शानदार प्रीव्यू बना हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इस टीम को लेकर एमपीएल में खेलना चाहते हैं तो खेल सकते हैं, अगर कुछ अपडेट आता है तो नेक्स्ट टीम भी आप बना सकते हैं, तो मैं उस पर भी एक वीडियो कल शाम तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।